Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shweta and today I am going to talk about very important topic, which is the important questions which are asked in F1 visa interview in US Embassy. If you are new to this channel, quickly subscribe this channel and also press the bell icon so that whenever I upload the video, you could get the notification instantly. And also like this video. The reason behind this is कि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आता है, मोस्टली मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे चैनल पर वीडियो सबसे पहले नंबर पे डलती है. एंड हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस डली हुई है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल में जाके आप उसको देख सकते हैं कि कौन किस किस तरह की वीडियोस डली हुई है, चाहे वो F1 वीजा के रिलेटेड है, चाहे वो B1, चाहे वो B2 है, या और डिफरेंट काइंड ऑफ वीजा के रिलेटेड जो वीडियोज है वो बनी हुई है. यू कैन चेक आउट एंड वॉच देम ऑल्सो. So let's get started. We have so many questions to tell you, but the thing is like that you people will be confused with a lot of questions. That is why we have made things easy for you, that I have divided it into two parts. The first is primary questions and the second is secondary questions. Now what it includes in primary questions? Primary questions वो questions है जो कि most frequently जो counselor है वो आपको पूछता है, और secondary questions में वो questions आ जाते हैं जो कि चांसेस होते हैं कि काउंसलर आपसे पूछे, बट इन सम केसेस दे आर नॉट आस्क्ड. सो लेट्स मूव टू द फर्दर. लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी क्वेश्चंस फर्स्ट. एंड द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच द काउंसलर आस्क यू इज व्हाट यू हैव डन रिसेंटली और व्हाट यू हैव डन प्रीवियसली. द क्वेश्चन इज इटसेल्फ क्लियर कि आपने प्रीवियसली या रिसेंटली क्या किया है. आपने कोई डिग्री की है, आपने कोई डिप्लोमा किया है, या आपने किसी भी फील्ड में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया है, तो आप वो काउंसलर को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी. अब इस क्वेश्चन में आप ये कह सकते हैं कि आप क्या करने के लिए जा रहे हैं यूएसए में. यू कैन सिंपली से आई एम गोइंग टू परस्यू डैश. डैश को आपको फिल करना है आप क्या करने के लिए जा रहे हैं, डिग्री करने के लिए जा रहे हैं, डिप्लोमा करने के लिए जा रहे हैं. एंड इन डैश कॉलेज और यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज में है, कौन सी यूनिवर्सिटी में है. एंड अगर आप अपने आंसर को और इलाबरेट करना चाहते हैं तो आप बीच में ये भी बता सकते हैं कि उस कोर्स का या उस डिग्री डिप्लोमा का ड्यूरेशन क्या है. थर्ड क्वेश्चन इज हु इज स्पॉन्सरिंग यू और हु इज फंडिंग यू. ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इट इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू द पर्सन यू. इट मे बी यू योरसेल्फ, या फिर ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो बी वेरी केयरफुल वाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज मोस्टली कंसिडर्ड बाय द काउंसलर. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई दिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी. यही कॉलेज या यही यूनिवर्सिटी क्यों. इस क्वेश्चन में आप बता सकते हैं उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के की फीचर्स के बारे में, वही कॉलेज आपको अच्छा क्यों लगता है. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रोफेसर की आप उस पर्सन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है. आप कैंपस के बारे में बात कर सकते हैं, आप उस कॉलेज की रैंकिंग के बारे में बात कर सकते हैं कि उसका रैंक कितना है, या फिर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है. मतलब आपको एक एग्जैक्ट परफेक्ट रीजन बताना है कि आपने वही कॉलेज या वही यूनिवर्सिटी चूज क्यों. बिफोर प्रोसीडिंग विद द फर्दर वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट इफ एनीवन ऑफ यू वांट टू हैव इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लासेस यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस. एंड ये नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर मेंशन होगा या फिर मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यू कैन कॉन्टेक्ट अस थ्रू दिस नंबर एंड आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इज द कोर्स और व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स. आपके कोर्स का ड्यूरेशन मतलब टाइम कितना है, वो कुछ मंथ्स का है, वो कुछ ईयर्स का है, जितना भी उसका ड्यूरेशन है आपको वो डिस्क्राइब करना है कि उसका ड्यूरेशन इतना. नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी कॉलेजेस डिड यू अप्लाई. आपने कितने कॉलेजेस को अप्लाई किया है. अब देखो ये क्वेश्चन आपका पर्सनल है. मान लो आपने 2 से 3 कॉलेजेस में अप्लाई किया है, या फिर आपने उससे ज्यादा में अप्लाई किया है, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज या एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है. डोंट बी शाई और डोंट हेजिटेट फॉर सेइंग कि हाँ हमने सिर्फ एक ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है. जस्ट बी डायरेक्ट इन आंसरिंग कि येस इफ यू हैव अप्लाइड इन वन यूनिवर्सिटी और कॉलेज, और उसका एग्जैक्ट रीजन आपके पास होना चाहिए कि आपने पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई ही क्यों किया. नाउ द लास्ट प्राइमरी क्वेश्चन इज व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स. आप कोर्स के बाद क्या करने के लिए जा रहे हैं. एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके जो नेक्स्ट
प्लान है कोर्स के बाद, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप यूएसए में ही सेटल होना चाहते हैं या वहीं पे आप कोर्स के बाद रहना चाहते हैं, बल्कि आपके आंसर में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि यू आर कमिंग बैक टू योर कंट्री आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स। कम टू सेकेंडरी क्वेश्चन। अब सेकेंडरी क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर योर मेजर्स। व्हाट आर योर मेजर्स का मतलब ये है कि जो कोर्स आप करने के लिए जा रहे हैं उसमें आपके मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं। मान लो आप एमबीए करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें मेजर सब्जेक्ट आपका फाइनेंस हो सकता है, एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकता है, या फिर आप कोई भी अदर कोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा है, वो आप इस क्वेश्चन के आंसर में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दिस कोर्स विल बेनिफिट यू। ये कोर्स आपको क्या फायदा देगा इन फ्यूचर। अब मान लो कि आपने एमबीए किया है, एमबीए करना है, तो वो कोर्स मान लो आप फाइनेंस में एमबीए कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में मान लो आपको बिजनेस चलाना है तो वो फाइनेंस को अच्छा होल्ड करने में आपको मदद करेगा, या फिर आपने ह्यूमन रिसोर्स एमबीए किया है तो स्टाफ को मेंटेन करने में, उनको कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसी तरीके से आपने जो भी कोर्स लिया है ना उसके की फीचर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो वहां से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लोकेटेड। उसकी जगह कहाँ पे, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेट करता है। आपको अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उसका प्रॉपर एड्रेस देखना है कि वो कहाँ पे है, स्ट्रीट नंबर कितना है या रोड कौन सा पड़ता है, उसका एरिया कौन सा पड़ता है, कौन सा रीजन है, कौन सी सिटी है, वो आपको सब कुछ चेकआउट करना है और अपने माइंड में फिक्स करना है एंड उस हिसाब से आपको आंसर को देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई नॉट इंडिया। इंडिया क्यों नहीं और यूएसए ही क्यों। आपको इसका आंसर, मान लो आप टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स करने के लिए जा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि लाइक यूएसए इज सो मच डेवलप इन टेक्नोलॉजी एज कम्पेयर टू योर ओन कंट्री, इट कैन बी योर एनी कंट्री। तो आपको बस कंपैरिजन करना है, आपको फीचर्स बतानी है कि यूएसए के ये फीचर्स हैं और जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसके ये फीचर्स हैं, और वो नॉलेज, वो इन्फॉर्मेशन जो आपको यूएस में जाके मिलेगी वो आपको इंडिया में वो चीज नहीं प्रोवाइड हो सकती। दैट इज वेयर यू आर going to US. Next one is, have you traveled to any other country? आपने किसी और कंट्री में ट्रेवल किया है या नहीं किया है। अब देखो, इट्स नॉट लाइक इन एवरीवन्स लाइफ कि उनको मौका मिलता है दूसरी कंट्रीज में जाने का। अगर आपने ट्रेवल किया, आपको लाइफ में मौका दिया है दूसरी कंट्रीज में जाने का, मेक श्योर कि आप उसके डिटेल्स को अपने दिमाग में रख के जाएं, उसकी डेट्स आपको क्लियर हो और ट्रेवल करने का रीजन आपके दिमाग में हो और आप एक काउंसलर को बता सके। दूसरी तरफ पे वो लोग आ जाते हैं जिनको ट्रैवल करने का मौका नहीं मिला। इन स्पाइट ऑफ टेलिंग लाई यू कैन डायरेक्टली आंसर द काउंसलर बाय सेइंग दैट यू हैव नॉट ट्रैवल इन एनी अदर कंट्री। द लास्ट काइंड ऑफ सेकेंडरी क्वेश्चन इज व्हाट आर योर कोर्स क्रेडिट आवर्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बट फिर भी मैंने इसको सेकेंडरी काइंड ऑफ क्वेश्चन में रखा है। द रीजन बिहाइंड इट इज कि ये क्वेश्चन सबको नहीं पूछा जाता। समटाइम्स काउंसलर जो है वो कुछ कुछ स्टूडेंट्स को पूछते हैं, F1 वीजा के स्टूडेंट्स को, पर फिर भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले इसको प्रिपेयर जरूर करके जाएं। अब बात करते हैं क्रेडिट आवर्स के बारे में। हर एक कोर्स के क्रेडिट आवर्स जो है वो अलग अलग होते हैं। आपको अपने कोर्स के क्रेडिट आवर्स को जानना है कि वो कितने हैं, या फिर लाइक यू नो इट डिपेंड्स फ्रॉम कोर्स टू कोर्स के उनके क्रेडिट आवर्स कितने हैं, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। एंड यू शुड नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज इफ यू विल नॉट बी नोइंग अबाउट दिस क्वेश्चन योर वीजा कैन लीड टू रिजेक्शन। सो मार्क माई वर्ड्स, Always prepare this question. So this was all about the video. I hope आपको ये video पसंद आई, आपको बहुत बहुत सारी information मिली होगी इस video के द्वारा। और अगर आप इस channel में new हैं, जल्दी से channel को subscribe कर लीजिए और bell icon को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं video upload करूँ आपको notification instantly मिल पाए। And hit the like button also and do comment अगर आपको कोई question है या कोई query है, आप question पूछना चाहते हैं आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं। So bye bye, stay fit and stay healthy.